शनिवार की देर शाम भीमताल से भवाली जा रहे स्कूटी सवार अनियंत्रित होकर सड़क में गिर गए, जिससे स्कूटी सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 108 वाहन के देरी से पहुंचने पर एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार हिमांशु पुत्र लीला दत्त निवासी डोब लुएसाल तथा विवेक पुत्र प्रकाश चंद्र निवासी डोब लुएसाल भीमताल से भवाली अपने निजी काम से जा रहे थे। फरसौली क्षेत्र के पास स्कूटी अनियंत्रित होकर सड़क में गिर गई। आसपास के लोगों ने 108 को फोन कर घटना की जानकारी दी, लेकिन काफी देर तक एम्बुलेंस नहीं आने से घायलों को अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका। देर शाम सीएमओ नैनीताल को फोन कर एम्बुलेंस मंगाकर घायलों को हल्द्वानी भेजा गया। एम्बुलेंस में ले जाते हुए एक घायल विवेक ने रास्ते में दम तोड़ दिया। पहले घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवाली पहुंचाया गया। हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद हल्द्वानी रेफर कर दिया, जिसके बाद परिजन अस्पताल प्रशासन से एम्बुलेंस उपलब्ध करवाने की गुहार लगाते रहे, परंतु अस्पताल में एम्बुलेंस के ड्राइवर की कमी होने के कारण अस्पताल ने असमर्थता जताई। अस्पताल में मौजूद अल्मोड़ा जनपद की एम्बुलेंस और उसके चालक ने भी मरीज को ले जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद सीएमओ नैनीताल से संपर्क कर घायलों को एम्बुलेंस से उपचार हेतु हल्द्वानी भेजा गया। इन सब में करीब एक घंटा बीत गया। एक घंटा देरी से एम्बुलेंस मिलने पर एक युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।